कि ये संविधान हिंदू विरोधी है, इसे दरिया में डाल दो। कि मंदिरों पर किसका कब्जा है और आज मंदिर में कितनी प्रॉपर्टी है। जनों का राज क्यों नहीं आ रहा है? बाबा साहब ने 6,743 जातियों को जोड़ने के लिए उन्होंने एक खंड बना लिया और वो एससी एसटी ओबीसी में डिवाइड करके एक ग्रुप बना, उनको अधिकार भी दिया, संवैधानिक अधिकार भी दिया। उस अधिकार का लाभ भी लोगों ने लिया है, ऐसा नहीं कह सकते नहीं लिया है। तो संवैधानिक लाभ जो मिला है, पूरा जो मिलना चाहिए उन लोगों को नहीं मिल पाया है। सवाल है रिजर्वेशन जो है, पॉलिटिकल एंड प्रोफेशनल रिजर्वेशन जो है आज, उसके तहत जो बेनिफिट पास ऑन होना चाहिए वो दो तरह से नुकसान हुआ। सर्विस में ये ला करके कि भाई उनका लिमिटेशन इतना है, उससे ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, 50% था, अब तो उसको अबोलिश भी कर दिया। अब तो ईडब्ल्यूएस आ गया, बहुत सारे उसमें मिस इंटरप्रिटेशन उसको किया गया। बेसिकली रिजर्वेशन का जो फैक्टर्स है, इट इज द सोशल काउज, एंड उसके आधार पर जो डेफिनेशन है संविधान में, जो सर आपको लगता है सरकार संविधान को मानती है? बिल्कुल, संविधान को मानती ही नहीं बल्कि उसका ये प्रयास शुरू से ही रहा है कि संविधान को अंडरमाइन किया जाए। ओपनली तो इसको किसी को फेंक नहीं सकेगा। आरएसएस के चीफ सुदर्शन, उन्होंने कहा था कि ये संविधान हिंदू विरोधी है, इसे दरिया में डाल दो। ठीक है, उनसे ये पूछा गया तो बोला मीडिया इसको इंटरप्रेट किया, लेकिन ऐसा नहीं था, बात सच था। आज रोज आवाज भी कहते हैं कई नेता, नहीं खुल करके, अब तो खुल कर कह रहे हैं नया संविधान बनाना, और संविधान बना भी चुके हैं और उसे इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने एक नया पार्लियामेंट भी शुरू कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और भी बहुत सारे जो सुनने मारा मालिया उसका प्रमाण अगर ढूंढिएगा आप तो मिल भी जाएगा। हमारा वो ही मानना है, आपके सवाल ये था कि बहुजनों का राज क्यों नहीं आ रहा है, जब 85 की बात हम करते हैं, उसका एक ही कारण है कि ये नाम बहुजन है लेकिन इनमें एकता की कमी है, और एकता की कमी है, मनुवादी है बहुजन। हाँ सुने ना, एकता की कमी है। एकता की कमी का मतलब है कि उसके मानसिकता जो है, आपने जो कहा मनुवादी मानसिकता से ग्रसित है, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपने ये भी कहा, धर्म। धर्म एक ऐसा शस्त्र है कि जो भी राष्ट्र धर्म के नाम पर चलती हो वो राष्ट्र का विकास नहीं होता, वो सर्वनाश होता। पासवान जी, तमाम सरकार मंदिर बनाने में लगी पड़ी है। मैं यही आता हूँ, जहाँ सामाजिक आप समरसता की बात नहीं करेंगे, जब तक आप समाज को जोड़ने की बात नहीं करेंगे, आप फोकल टॉक तो करते हैं लेकिन फोकल टॉक के ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं। आप चाह रहे हैं कि आप जो है संविधान को दुहाई देकर, कसम खा करके पब्लिक को बता रहे हो हम संविधान को मानते हैं। तो आपने ये पूछा, संविधान क्या सही ढंग से लागू है? नहीं है। संविधान को आपको अभी हमने कंक्लूड किया आपको कि संविधान को बिल्कुल ही ये सरकार नहीं मान रही है, और संविधान को नहीं मान रही है, पिछली सरकारों ने नहीं माना। पिछली सरकार तो ठीक है, जो काफी हद तक माना था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं माना। आज जो चल रहा है कि मनुवादी विचारधारा की जो सरकार है वह इस संविधान को रिगार्ड नहीं देता। मैंने एक उदाहरण दिया, जो आज जो सरकार है, सर ये जो बहुजन आप नारा देते हैं 85 का, मेरा कुछ सवाल के जवाब देने दीजिए। बोलिए, जिस संविधान की सुरक्षा की बात सरकार करती है, उसकी सुरक्षा किस तरह से वो कर सकती है? संविधान में लिखित प्रावधान है और उस प्रावधान के तहत एडमिनिस्ट्रेशन चलना चाहिए। वो प्रावधान को आप मान लिया पार्लियामेंट में लाते हो, कोई बिल आपने बहुमत के नाम पर उस बिल को पास भी कर देते हो, लेकिन सच तो यह है कि कितने परसेंट बहुमत से आप पास किया। दूसरी चीजें, आपका इंटेंशन क्या है उस संविधान को लागू करने का। चौथी चीज, ऑन द ग्राउंड बेनिफिट क्या मिल रहा है। तो वो जो बेनिफिट को दिलाने के लिए जो संघर्ष करने वाला लोग है हमारा है, हमारे देश में आज के दिन 131 सांसद है एससी एसटी के, बाकी छोड़िए, और
4,342 ML है, जिनका काम है संविधान की सुरक्षा निश्चित करना, पब्लिक को सर्विस देना। अब दे आर नॉट एबल, वो तो अपनी सुरक्षा कर रहे हैं ना सर। हाँ, वो अपनी सुरक्षा में लगे हुए हैं, लेकिन उसका कारण क्या है? चाहते हुए भी नहीं कर सकते हैं, आपको पूना पैक्ट में जाना पड़ेगा। हम लोगों को अधिकार ये था, जो यहाँ के अप्रेस क्लास ऑफ द सोसाइटी, बाबा साहब ने यूज किया है वर्ड अप्रेस क्लास, दलित शब्द नहीं किया है, जो अप्रेस क्लास ऑफ द सोसाइटी है, जिनको यहाँ बेनिफिट मिलना चाहिए वोट के अधिकार दे करके, कि भाई सारा सरकार बनाने के लिए तुम्हारा अधिकार है। अब वो सरकार बनाने के लिए उसके वोट के बहुत सारे, अभी कुछ चोरियां भी हो रही है, ईवीएम आया, ये सब है। अब है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर, जरा सोचिए आप लोग, सब विद्वान आदमी, पूना पैक्ट जो बनाया गया वो ड्यूअल फ्रेंचाइज को नष्ट किया और कॉन्स्टिट्यूएंसी को प्रिजर्व कर दिया। गांधी ने बाबा साहब के साथ छल कर दिया। दूसरा चीज, सरकार बन गई, कॉन्स्टिट्यूएंसी भी दे दिया। अब क्या है, जो आपका एमपी एमएलए चुन के जाते हैं रिजर्व से, वो पार्टी के होते हैं और पार्टी के बारे में ही वो बोलते हैं। जब वो अगेंस्ट में बोलने जाते हैं, तो इंदिरा गांधी के टाइम में भी पार्लियामेंट से बाहर कर दिया गया था चावड़ा जी को। अब ये आ गया क्या, इस तकलीफ को देखते हुए उन लोगों ने व्हिप इशू किया कि जो भी बिल आवे उसका पार्टी का विरोध, पार्टी का एमएलए एमपी नहीं करेगा, तो व्हिप ला करके आपको अधिकार को छीना, वो चुपचाप बैठते हैं। दूसरा आया कि आप अगर मान लिया नहीं सुन रहे तो हम पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। फिर उन लोगों ने, बहुत बड़ी बात है, मैं आता हूँ, जस्ट मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं आ रहे हैं, उसी की जवाब है आप। फिर क्या आ गया, फ्लोर क्रॉसिंग, जो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, जिसके वजह से वो लोग लाचार है कि वो पार्टी का काम करते हैं, समाज का नहीं करते। तो आपके उत्तर ये तीनों चीजों से मिल गया कि वो क्यों नहीं करते, ये आप पूछिए। आप नेता, सारे बहुजन नेता ये कहते हैं कि जनता को एक हो जाए, एक हो जाए, लेकिन बहुजन नेता एक क्यों नहीं होते? एक नहीं होते हैं, उनका व्यक्तिगत स्वार्थ होता है। दूसरा, बाबा साहब ने तो नहीं सोचा था मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ, बाबा साहब को अगर कांशीराम ने सोचा नहीं सोचा, इसलिए तो वो महान हुए। आज हमारा कौन नेता महान बनना नहीं चाहते हैं? नहीं, बनने से, चाहने से नहीं कोई बनता, उसके कर्म होते हैं। आज हम कह सकते हैं बहुत सारे हमारे जो बहुत टॉप के नेता शेड्यूल कास्ट में हुआ, वो जगजीवन राम हुए है ना, उसके बाद रामविलास पासवान हुआ, उसके अन्य छोटे मोटे बहुत सारे हुए, लेकिन आप सबको देखिए, उन लोगों ने अपने स्वार्थ के सिवाय दूसरा कोई और चीज ने अपनी पार्टी बदली, उसको प्रधानमंत्री बनना था नहीं बना, जनता पार्टी के टाइम पर उन्होंने उनको बताया गया कि हम तुमको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, तो कांग्रेस छोड़ दिया। अब कांग्रेस जब छोड़ा, उसको बाद में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना करके देसाई के टाइम पर छोड़ दिया, वो गए। रामविलास चलती हुई गाड़ी में बैठ गया, पहले बहुत आवाज उठाता था, वो इवन संजय गांधी को चैलेंज किया था अपने टाइम में, इंदिरा गांधी के सामने किया था, बाद में उसे पता चला, तो वो क्या किया, जो भी गाड़ी चली उसमें बैठ गया। तो वो कैसे लड़ेगा सर? अभी आप कहिएगा क्या, अब उसको तो यह था कि पार्लियामेंट में हमको जाना है, तो चारों सीट रिजर्व ले लिया। उसका बेटा चिराग पासवान आज वो कहता है कि रिजर्वेशन को हटा दो। अरे तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन को हटाने के बाद लड़ो ना, जनरल सीट से तुमको टिकट भी नहीं देगा। रामविलास कहाँ देते, कोई नहीं। रामविलास जी को मैं कहा, आपको ये बता, मेरे घर में रामविलास जी आए कि आप बीजेपी छोड़ करके अभी निकल करके बोलते हो कि संतरी भी रिजाइन नहीं कर सकता, मैं मंत्री से रिजाइन किया, क्या कह रहे थे, कहने का क्या पर्पज है? मैंने पूछा उनसे बीजेपी में क्यों गए थे, तो देखने गए थे। इतना कद्दावर नेता वहां देखने की जाने की जरूरत है? जिस चीज का बीज ही ऐसा है, मनुवादी विचार से ही आया हुआ है, उस सरकार में आप जा रहे हो, फिर छोड़ रहे हो, जा रहे हो, तो उसका पूरे खाका देखिएगा। और लास्ट में मरते वक्त तो उसने यहाँ तक कर दिया, 10% रिजर्वेशन जो सवर्णों को रिकमेंड किया, और यह कहकर कि दलित तो हल चला के खा लेंगे, ब्राह्मण हल चला के नहीं खा सकता। उसे यह नहीं पता है गधे को, मैं तो यह शब्द यूज करता हूँ, कि मंदिरों पर किसका कब्जा है, और आज मंदिर में कितनी प्रॉपर्टी है, आज मंदिर के सारी प्रॉपर्टी नेशनलाइज करके देखो, दो पब्लिक को, पूरे देश में खुशहाल होता है कि नहीं होता है? तो सवाल ये है, आपने जो पूछा सर, मैंने जवाब दिया, व्यक्तिगत स्वार्थ, त्याग की जब तक की भावना नहीं आएगी सेवा की,
नहीं होगा। और जनता में पुजारी बनना चाहते हो क्या मंदिर में? अरे सर बना दिया तमिल, यस प्रोफेशन में ऐड हो जाए या ना, तमिलनाडु में कर दिया ना, तमिलनाडु में हो गया। सुनिए ना, पुजारी बनना है और बनाना नहीं है, इन लोगों तो रिजर्वेशन खानदानी चाहते हो। अरे साहब हम पावर चाहते हैं, किस तरह से हम अपने वोटों से जो हमको अधिकार दो ना, हम ज्यादा नहीं पूछे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतना हिस्सेदारी दे दो।